स्वागत है आप लोग का आकाश एजुकेशनल चैनल के ऊपर। मैं आप लोग का दोस्त आकाश, मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 11 का कॉमर्स स्ट्रीम का मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का पार्ट वन का चैप्टर नंबर फर्स्ट सेट सेकेंडरी रिलेशन का मेसेलेनियस का एक्सरसाइज फर्स्ट का लेक्चर नंबर टू लेके आ गया हूँ। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व करेंगे। इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट और जो जितने भी उसके मेसेलेनियस एक्सरसाइज है सब क्लोज हो जाएंगे फ्रेंड्स। ओके, अगर आपने मेरे अगर पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं आप मेसेलेनियस का एक्सरसाइज का मैंने कल का दिन भी लेक्चर था बनाया, तो उसका मैंने लिंक प्लेलिस्ट में उसका प्लेलिस्ट का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, जाके वहाँ से देख सकते हैं। ओके, आइए आज के इस लेक्चर को हम लोग शुरू करते हैं। हमें क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा है, हमें क्वेश्चन नंबर 5 में टोटल दो क्वेश्चन पूछे हैं। कितने पूछे हैं? टोटल दो क्वेश्चन पूछे, बहुत ईजी ईजी क्वेश्चन, तो हम उसको सॉल्व करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, इफ़ ए, हमें एक सेट दिया ए 1 2 3 और एक सेट दिया बी 2 4 स्टेट एलिमेंट ऑफ। हम लोग को पहले क्वेश्चन में टोटल 2 4 6, हम लोग को टोटल 2 4 5 पांच क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्या ए इंटू ए इंटू बी, बी इंटू ए, बी इंटू बी, ए इंटू बी इंटरसेक्शन बी इंटू ए, हमें इतने सारे की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बहुत ईजी है। आइए शुरू करते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 5 का सब क्वेश्चन फर्स्ट सॉल्व करके दे रहा हूँ। ओके, मेरे को मैं नीचे देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 का सब क्वेश्चन फर्स्ट में सॉल्व करके दे रहा हूँ। इसमें हम लोग को दिया सेट ए, हमें देख रखा है 1, 2, 3 और सेट बी हमें देख रखा है 2, 4, हमें ऐसा दो सेट दे के रखा है। हम लोग से पहला क्वेश्चन इसमें पूछा है ए इंटू ए, ए इंटू ए क्या होगा, देखो मतलब जितने ए के एलिमेंट है ये ए में ही मल्टीप्लाई होंगे, क्यों ए इंटू ए दिया है, तो आ जाओ देखते हैं। 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ, फिर 1 का 2 के साथ, फिर 1 का 3 के साथ, हम लोग क्या बना रहे हैं, हम लोग एक प्रकार से हम लोग ऑर्डर पेयर बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं दोस्तों? ऑर्डर पेयर बना रहे हैं। 1, 3 अभी इस 2 का 1 के साथ होगा, तो देखो 2, 1, 2, 2, अभी इसका 2 के 3 के साथ होगा 3, अभी इस 3 का भी 1 के साथ होगा, तो 3, 1 का पेयर, अब फिर 3, 2 से पेयर बनेगा, फिर 3, 3 से पेयर बनेगा, तो ये आपका जो a इंटू a था ये आपका क्या हो गया, सॉल्व हो गया। ओके, सेकंड क्या पूछा है हमें, a इंटू b, देखो मैं अपने बगल में टेक्स्ट बुक रखा हूँ, मैं यहीं से क्वेश्चन कॉपी कर रहा हूँ। ओके, आप भी अपने बगल में टेक्स्ट बुक रखे होंगे मुझे उम्मीद है। तो a इंटू बी मतलब a का जितना एलिमेंट है आप उसके b से मल्टीप्लाई करो, तो हमें क्या दिया, a में 1 का 2 के साथ होगा, फिर 1 का 4 के साथ भी होगा, फिर हमारा ये 2 का 2 के साथ, 2 का 4 के साथ, 2 का 2 के साथ, 2 का 4 के साथ, फिर 3 का 2 के साथ, तो फिर 3 का, बस हम लोग को a इंटू बी इतने ही फाइनल आउट करना है। फिर हमें क्या बोला है, फिर हमें पूछा b इंटू ए, बी इंटू ए बहुत ईजी है, आप सेट b में देखो, मतलब अभी तक क्या हुआ, इसका एलिमेंट इसके साथ मतलब मल्टीप्लाई हुआ, अभी क्या होगा, इसका एलिमेंट इसके साथ मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो आओ हम लोग करते हैं 2 का 1 के साथ 2, 1, फिर 2 का 2 के साथ 2, 2, फिर 2 का 3 के साथ तो 2, 3, फिर इस 4 का 1 के साथ तो 4, 1, फिर 4 का 2 के साथ, फिर 4 का 3 के साथ, तो ख़त्म हमारा b इंटू ए इतना ही था। ओके, स्क्रीनशॉट आप लेते जा रहे होंगे मुझे उम्मीद है। अभी हम लोग b इंटू बी निकालेंगे, बहुत सिंपल है। अभी आप b का एलिमेंट यहाँ पे देख ही रहे हो, तो b के साथ तो क्या होगा, पहला तो 2 का 2 से होगा, फिर 2 का 4 के साथ होगा, फिर 4 का 2 से होगा, फिर हमारा 4 का 4 से ही होगा, तो ये हमारा क्या हो गया, b इंटू बी हो गया। ओके, अभी हम लोग एक चीज़ आखिरी क्वेश्चन निकालेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 का सब क्वेश्चन फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन निकालेंगे। तो क्या आपके यहाँ पूछा है, हमें बोला है ए इंटरसेक्शंस ए, सॉरी ये नहीं है, मैं आपको कोई अलग क्वेश्चन करूँ, हाँ ये दिया, ए मल्टीप्लाई बाई बी का इंटरसेक्शंस होगा बी मल्टीप्लाई बाई ए के साथ, तो सॉल्व करो, क्या करना है आपको, सॉल्व करना है। सबसे पहली बात आप ये देखो, ए मल्टीप्लाई बाय बी मतलब ए का मल्टीप्लाई बी के साथ, ऐसा ए का मल्टीप्लाई बाय बी किसी के साथ हुआ है क्या, तो यहाँ पे देखो हुआ है ए मल्टीप्लाई बाय बी, तो हमें
हमें यहाँ पे देखो ये वर्मूला आपको दिख नहीं रहा होगा, ए मल्टीप्लाई बाई टू हमें ए मल्टीप्लाई बाई यहाँ मिला, तो मतलब ए जो वैल्यू है उठा कर सेम टू सेम आप यहाँ लिख सकते हो। तो लिखो क्या क्या दिया, 1,2, फिर 1,4, 2,2, 2,4, फिर 3,2, फिर 3,4, ओके इतना रहने दो। फिर मैं यहाँ पे इंटरसेक्शन का दिया था, तो इंटरसेक्शन अब बी इंटू ए कहीं हुआ, तो यहाँ पे देखो बी इंटू ए, ये जो अभी हमने लाइन निकाला सेम टू सेम सभी इसके बाद आप लिखो, तो क्या होगा 2,1, 2,2, 2,3, 4,1, फिर 4,2, 4,3, ओके। अभी आप लोग को दोनों का इंटरसेक्शन निकालना, तो आप इसमें देखो क्या कोई भी एलिमेंट, मतलब ऐसा एलिमेंट जो ए में भी हो और बी में भी हो। तो हाँ देखो यहाँ पे भी 2,2 है और यहाँ पे भी 2,2 है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 2,2, यहाँ पे इस तरीके से हम लोग लिखेंगे ए इंटू बी इंटरसेक्शन बी इंटू ए, इस तरीके से हम लोग लिख के दिखाएंगे। हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 होता है सॉल्व, स्क्रीन शॉट चाहिए तो ले लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूँ। देखो मैं आपको यहाँ से एक बार स्क्रीन शॉट लेने का मौका देता हूँ, लो इतना आप लोग मुझे उम्मीद ले लिए होंगे, अभी बचे हुए भी ले लीजिए, आप ले लिए होंगे। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का सब क्वेश्चन 2 को सॉल्व करते हैं, तो आओ क्वेश्चन नंबर 5 का सब क्वेश्चन 2 सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा है, इफ़ ए हमें एक सेट दिया ए माइनस वन वन, फाइंड ए इंटू ए, ए इंटू ए इंटू ए, हमें सेट ए दिया है माइनस वन फिर वन, और हमें पूछा क्या है ए इंटू ए इंटू ए सॉल्व करो, तो कैसे करोगे, बहुत इजी है। सबसे पहले इस वन का ही मल्टीप्लाई इसके माइनस वन का ही मल्टीप्लाई आपका 3 बार होगा, देखो तो वन वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन, फिर इस माइनस वन का भी इसके साथ होगा भाई 3 है, तो सबसे पहले दो बार ये लोग तो एक बार हो, बाद में फिर एक बार ये लोग तो दो बार, इस तरीके से हमारा होगा। फिर माइनस वन माइनस वन वन, फिर माइनस वन वन माइनस वन, फिर यहाँ पे हमारा वन ही रहेगा, फिर माइनस वन माइनस वन, फिर वन माइनस वन फिर वन, ओके फिर वन वन माइनस वन, फिर वन वन वन, फिर माइनस वन वन वन, ये हमारा ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए हमारा इतना बड़ा इसका सोल्यूशन है। स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लीजिए। फिर मैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव आउट करता हूँ, मुझे उम्मीद है कि आप ले लिए होंगे। हमने क्वेश्चन नंबर 6 में आपको टोटल 4 सब क्वेश्चन दिए, लेकिन उसके पहले हम लोग को सेट ए दिया है, क्या दिया पहले वो तो देखो आप लोग, उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लोग को इसमें बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या बोला, सेट ए दिया है 1, 2, 3, सेट बी दिया 4, 5, 6, और पूछा है विच ऑफ फॉलोइंग आर रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, मतलब ए का रिलेशन बी के साथ है, यानी हमें यही दिखाना है, बहुत ईजी है दिखा सकते हैं। तो आप शुरू करते हैं, पहले आप यहाँ पे लिखो सेट ए, और सेट ए हमारा क्या है 1, 2, 3, यहाँ पे लिखो सेट बी 4, 5, 6। हमें इसमें सब क्वेश्चन फर्स्ट में हमें क्या पूछा है, हमने आर वन जो पूछा है दोस्तों 1,4, 1,5, 1,6, तो क्या 1,4, 1,5, 1,6 ये हमारा रिलेशन है या नहीं। तो रिलेशन कैसे मालूम पड़ता है, डोमेन और को डोमेन से, मतलब किसी का जो इमेज है प्री इमेज में हो, या तो किसी का प्री इमेज इमेज में हो, उसी को हम लोग रिलेशन कहते हैं। आप लोग डोमेन को डोमेन रेंज ऐसा पढ़ के आ रहे हो। देखो हमारा इस सीक्वेंस में जितने भी एलिमेंट देखो आगे लिखे हैं, जितने भी एलिमेंट क्या लिखे आगे लिखे वो सब हमारे सेट ए हैं, बाकी सब सेट बी है। तो हमारे लिए जो सेट ए ये हो गया डोमेन और ये हो गया को डोमेन, ओके। हमारा 1 का रिलेशन 4 के साथ, फिर 1 का रिलेशन 5 के साथ, फिर 1 का रिलेशन 6 के साथ, तो हमारा ये रिलेशन है या नहीं। तो हम लोग लिखेंगे इसका आंसर R1 इज अ रिलेशन, R1 हमारा क्या है भाई, वो रिलेशन में है, ये हमारा रिलेशन है।
फिर हमें R2 पूछा है। R2 में हमें क्या क्या पूछा है, 1.5, 2.4, 3.6। ये हमारा रिलेशन है या नहीं, देखो हमारा 1 का 4 के साथ, 2 का 5, 2 का 5 के साथ, 3 का 6 के साथ। एक मिनट रुको, अब पहले क्वेश्चन चेक करना। हाँ, इस 1 का रिलेशन 5 के साथ है, 2 का 4, 3 का 6, तो ये हमारा क्या है, हाँ है। तो R2 इज अ रिलेशन, R2 भी इसका क्या है, एक रिलेशन है। अब सब क्वेश्चन 3 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। 3 में हमें क्या बोला है, R3 इज इक्वल टू 1.4, 1 का रिलेशन 4 के साथ, फिर 1 का 5 के साथ भी है, जो 5 के साथ भी है। दोस्तों देखो, इस 1 के बहुत सारे फ्रेंड है, इसका रिलेशन बहुत जनों से है, 3 का 6 के साथ, 2 का 6 के साथ, फिर 3 का 4 के साथ। ओके, यहाँ पे कर ली ब्रैकेट दे देंगे। देखो, इस 1 का रिलेशन 4 के साथ, फिर 1 का 5, फिर 3 का 6, 2 का 6, 3 का 4। ये भी हमारा एक प्रकार से ये भी रिलेशन है, R3 इज अ रिलेशन, ये हमारा रिलेशन होता है। सब क्वेश्चन 4 में हमें दिया R4 दिया, तो हमारा R4 क्या दिया है, 4.2 और 2.6 आपको दिख रहा होगा। हाँ, 4.2, 2.6, 5.1, 2.4। ओके, इसको सॉल्व करो, हमारा R4 रिलेशन है या नहीं। अभी आज 4 तो आप ये सेट ए में है, तो क्या सेट ए में कहीं भी 4 लिखा है, हाँ आपका जो 4 है ये सेट बी में लिखा है, लेकिन सेट ए में है क्या, नहीं। तो हमारा ये जैसे हुआ 4, 2, 5, 2, ये सारे एलिमेंट हमें सेट ए में मिलने चाहिए, और जो 2, 6, 1, 4 दिया है सब सेट बी में मिलने चाहिए। तो क्या ऐसा है, 4 सेट बी में, 5 सेट बी में, मतलब ये हमारा हो गया R4 इज अ नॉट रिलेशन, ये हमारा क्या है, ये हमारा रिलेशन नहीं होगा। ओके, अगर मैंने चारों सब क्वेश्चन सॉल्व करके दे दिया, स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लीजिए, अगर कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लेना पक्का, मुझे उम्मीद है कि आप ले लेंगे। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे, और ये आपका आखिरी क्वेश्चन भी होगा इस चैप्टर का भी, और इस मिसलेनियस का भी। तो क्या पूछा है, डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज, आपको पता लगाना है, क्या पता लगाना है, डोमेन और रेंज ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन। आपको यहाँ पे एक सेट बिल्डर फॉर्म में कुछ दिया है डाटा, उसका आपका डोमेन और रेंज फाइंड आउट करके लिखना है, बहुत ही सी। क्या क्या दिया, आर मतलब रिलेशन इक्वल टू, हमें एक ऑर्डर पेयर दिया ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू एन, ए बिलोंग्स टू एन नंबर। तो क्या दिया, ए से बड़ा 5, देखो हम लोग को क्या दिया, ए से बड़ा 5, मतलब 5 से छोटा ए चलेगा, मतलब 1, 2, 3, 4, लेकिन 5 से इक्वल नहीं होना चाहिए, बी इक्वल टू 4। तो आप लोग पहले इसको लिखो, आप लोग इस चीज़ लिखो सेट ए में, डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। तो सेट ए में लिखो 1, 2, 3, 4, और सेट बी आप लोग को दिया 4। कैसे, यहाँ पे आपको बोला है ना भाई कि मतलब हमारा 5 से छोटा ए हो, तो जो हमारा जो सेट ए 1, 2, 3, 4 होगा, 5 तो होगा नहीं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोल कर रखा है बी दिया है 4, तो हमारा इसमें डोमेन क्या होगा, क्या होगा डोमेन हमारा क्या होगा। तो डोमेन आप ऑब्वियसली आपको पता होगा कि जो हमारा जो सेट ए होता है उसी को हम लोग डोमेन कहते हैं, उसी को हम लोग प्री इमेज कहते हैं, हम लोग सेट ए को ही एक्स भी यहाँ तक मानते हैं। हमारा डोमेन हो जाएगा 1, 2, 3, 4, और हमारा रेंज क्या हो जाएगा, हमारा रेंज ऑब्वियसली अगर हमारा सेट ए डोमेन है तो हमारा सेट बी होगा रेंज, तो 4। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 7 होता है सॉल्व, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ दोस्तों, आपका चैप्टर नंबर 1 जो दिया था सेट्स एंड रिलेशन था, उसके मैंने सारे एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.2 और आज आपका मिसेलेनियस भी होता है कंप्लीट। अगर आप एक्सरसाइज की वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से देख लेना। अगर मिसेलेनियस का भी पहला लेक्चर नहीं देखे तो वो भी जाकर देख लेना। ओके, मैंने यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 1 होता है डिक्लियर। अगर चैप्टर नंबर 1 में कुछ भी डाउट होगा, छोटे से लेके बड़ा तक कुछ भी डाउट होगा, कमेंट बॉक्स में लिख के आप पूछ लेना, मैं रिप्लाई आपको 100% जरूर दूंगा। ओके फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें हम लोग चैप्टर नंबर 2 आप लोग का फंक्शन शुरू करेंगे। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।